दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। यह रेड क्रॉस भवन है। वास्तव में जब आपातकालीन स्थिति हो और मानवतावादी सिद्धांत के उद्देश्य से रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। समूचे देश में करीब 700 संस्थाएं रेड क्रॉस की चल रही हैं। हमारे इस आदिवासी इलाके में भी रेड क्रॉस संचालित है। फिलहाल समिति भंग है, इसलिए इसके सचिव CMHO यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं और कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस रेड क्रॉस सोसाइटी में जहां गरीब जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए जहां आम दान राशि के रूप में एकत्रित की जाती है, वहीं इस भवन के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त किराया उन जरूरतमंदों के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन बीते 5 वर्ष से कहा जाता है कि इस भवन के अंदर कार्यालयीन में लाखों के बारे न्यारे हो रहे थे। पुलिस में CMHO ने FIR दर्ज की। एक छोटे से अदने से बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल बहुत कुछ है। सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन से के अधीनस्थ जिला मुख्यालय में यह संस्था संचालित है तो आखिर इसका ऑडिट प्रतिवर्ष क्यों नहीं हुआ? और यदि इसका ऑडिट प्रतिवर्ष हुआ है तो यह जो घपला बारा न्यारा समझ में आ रहा है वह अनेकों वर्षों से कैसे होता रहा? लेकिन जांच का विषय है। बहरहाल जांच जारी है। देखना यह है कि इस समूचे घपले में केवल एक बाबू दोषी है या पर्दे के पीछे कोई और भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यदि रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।